यूँ तो आप कच्चे चावल का इस्तेमाल करने हैं, बिरयानी पुलाव इडली डोसा बहुत बनाना खाया वाला, पर आज मैं आपने इन्हें कच्चे चावल का इस्तेमाल करना है, एक बिल्कुल नई रेसिपी बनाने बतूला जी की टिफिन रहे वास्ते एकदम परफेक्ट रहे वाला और आपके परिवार ने भी बहुत पसंद आवेला। तो राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबारा स्वागत है सर। इन्हें वास्ते मेजरिंग कप के हिसाब में एक कप चावल लिया हूँ, आपके घर में मैंने जिका भी आप चावल खाता हो वे चावल आप ले सको। मैं तो मई वाला चावल लिया हूँ, कणी चावल वेजी का लिया हूँ, पर इन वास्ते कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बासमती चावल ले हो या दूसरा चावल ले, कोई भी चावल आप खाता हो जिका ले सको। इन चावल ने मैं भिगाने 2 घंटा पहले रख दिया, तो चावल अपना बहुत अच्छा भीगने तैयार हो गया है। अपने 2-4 बार साफ पानी में धोने पचे भिगाने रखना है। अब इन चावल अपना पानी निकाले और मिक्सी जार में ट्रांसफर कर ले। आपने सुबह सुबह और नाश्ता बनाना है तो आप रात्रि चावल ने भिगाने रख दीजिए, तो सुबह अच्छी तरह भिगोड़ा चावल मिल जाए आपने, नाश्ता फटाफट बनने तैयार हो जाए। मैं पूरा चावल इनमान डाल दी हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करने पानी डाला इनमान, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो सब पहले इनमान अपना 3-4 टेबल स्पून वजह तो पानी डाल दी हूँ, इन्हें पीस ले। अब जो साइड में नहाई गए यहाँ अपन इनमें डाल दिए, अपन अच्छा स्मूथ पेस्ट बनाना तैयार करना। पेस्ट अपन एकदम क्रीम वेजो बनना तैयार होना चाहिए। अब इनमें अपा 2 हरी मिर्ची काटने डालना है, बड़ी बड़ी काटनी डालनी अपन ने। मैं अदरक का टुकड़ा लियो लगभग 1 इंची तो, जिन्हें साफ धो लियो ने छिलको निकाल लियो, इन्हें भी अपा बड़ो बड़ो काटने डाल दे इनमें, और भी बड़ो अच्छा पीस जावेला जिन्हों कहीं ध्यान भी नहीं पड़ा लगने भी कि अदरक मिर्ची डाल उड़ा तो बच्चा आराम में खा ले। अब इनमान अपा 2 टेबल स्पून वजह तो और पानी डाल दें। आप एक साथ ज़्यादा पानी डाल दो ला तो कई वाला चावल अच्छा पेस्ट बनना तैयार नहीं वाला, मैं नहीं पीसी जला। अब आप देख रहे हो पेस्ट एकदम स्मूथ क्रीम बजू बन गया, देखो एकदम मैं पेस्ट पीसी गया। अब ज़्यादा पानी एक साथ डाल देता तो पेस्ट इतना तो अच्छा नहीं बनता, पानी करीब थोड़ा थोड़ा करना डाल दो। ये तो पीसने मैंने लगभग अपन है 1/2 कप पे तो पानी ला गया है। अब इन मैंने अपन लारे बचोड़ा है जो को पानी और डाल दे, 1 कप पानी लियो 1 कप पूरा पानी में डाल दिया, इन अपन मिक्स कर ले। इन तरह अपन पूरा 1 कप में पानी डाल दिया हूँ ना, अपन अच्छा गोल बनने तैयार हो गया, स्मूथ गोल बनने तैयार हो गया, एकदम दूध वजू लाग रही हो गोल देखो। अब इन्हें अपन साइड में रख दे वहाँ न प्लेट में, मैंने अपन 2 उबले आलू लिया, इन आलू ने अपन 3 सीटी तक उबाल लिया ने अपा छील लिया हाँ। अब इन अपा कद्दूकस कर ले, मैं इन तरह कद्दूकस कर रही हूँ, आप चाहो तो मैं सरु मैस भी कर सको या आप हाथों एक मैं कर सको। इनमें कोई घाटा वगैरह नहीं रहना चाहिए, घाटा रहे वाला तो अपन नाश्ते रहे मैंने कही है घाटा तकलीफ दे वाला। आलू अच्छा उबलेड हो जाए फटाफट कद्दूकस हो जाया करे, इन तरह उपा दो आलू ने कद्दूकस कर लिया हाँ। आपने बताओ देखा कद्दूकस करने से आलू एकदम इन तरह अच्छा हो जाया करे, मैस हो जाएगा, हाथों पर करा जरा माता पौड़ी हुए इन्हों बहुत अच्छा हो जाया करे, ना इजीली भी हो जाए। इन्हें भी अब आप साइड में रख दे वहाँ ना, एक पैन दे मैंने 1 टेबल स्पून हो जाए तो तेल ले ले वहाँ और गैस ने चालू कर दे वहाँ। मैं और तेल दे मैंने बना रही हूँ, आप चाहो तो घी में बटर में किन्नी मैंने बना सको। इन्हीं साथ इन मैंने 1/2 छोटा चम्मच वजह तो जीरो डाल दी वहाँ, 1/4 छोटा चम्मच वजती हींग डाल दिया इन्हें। आँच ने इन टाइम अपन धीरे कर लेंगे, जीरो अपन अच्छा पक गया है। मैं 3 टेबल स्पून वजह गाजर ली हुई हूँ इन मैंने डाल दी वहाँ ने, 1 छोटी साइज प्याज लिया हूँ मैं और भी इन मैंने डाल दी वहाँ। इन सब ने मैं काटने डालना, गाजर ने मैं कद्दूकस करने डाली हूँ और प्याज ने मैं काटने डाली हूँ। आधी शिमला मिर्ची ली हुई हूँ जिसकी लगभग 3 टेबल स्पून जीती है, इन अभी मैं काट ली है अभी मैं डाल दी। अब अपा गैस ने धीरे कर देवा और धीरे करियार पचा इन मैंने अपा और गोड़ गाल देवा, आँस ने अपना बहुत धीरे रखनी है। इन टाइम में मैं आपने याद दिला दूँ कि आपने मेरी रेसिपी कड़ी लग रही है, नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखने मैंने जरूर बताइए। आपने अच्छी लगती है तो आप लाइक कर जो, अच्छी नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सको, पर आप कमेंट करना जरूर बताया करो जिन्हें मन ध्यान पड़ता रहे कि आपने हमारी रेसिपी कड़ी लाग गई है। इन्हीं साथ मैं 8-10 कड़ी पत्ता लिया हूँ जिन्हें मैं काट लिया हूँ इधर, ये भी मैं डाल दें। एक मैं लाल मिर्ची ली हुई हूँ जिन्हें पतली काट ली हूँ, ये भी मैं डाल दें। आप अगर लाल मिर्ची नहीं होता इन जगह में तो आप चिली फ्लेक्स डाल दीजिए या लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सको। बोले आँच ने अपना इन टाइम तक भी धीरे रखनी है, धीरे आँच से मैंने पकाना तैयार करना है, तेज आँच में करो तो घाटा बनने रोज वाला और कंटिन्यू चलाओ तो रहे। मैं इनमें इतनी सब्जियाँ डाली हुई, आप चाहो तो पालक भी डाल सको इनमान, आप चाहो तो मेथी भी डाल सको, आप चाहो तो मटर ने भी पीस ने डाल सको, वे भी अच्छा लगे ना। धीरे धीरे देखो अच्छा गाढ़ा पड़न डूब गया, इनमें सब सब्जियाँ डालिया जिन्होंने दिखने मैंने बहुत अच्छा लग रही है। थोड़ी देर पूरा आटो वह जोश नहीं चाल अपना, पूरा कढ़ा ला अपना साफ हो जाए वाला इन तरह ना चावल अच्छा पक जा वाला। अब देख रहे हो पूरा लोहे पड़न डूब गया ना, कढ़ा ला पूरा साफ हो गया अपना, पूरा पानी डालिए जो अपने मन घुस गया है ना, देखो
अच्छो है क्या आटो उसनीज गया है। अब इन टाइम रापा जो आलू कद्दूकस करना रखे क्या वे भी डाल दे, आलू जो मैंने थोड़ा बहुत मॉइस्चर वाला तो वो भी निकल जाना। इन्हें भी आप अच्छी तरह मिक्स कर लिया इन तरह। आँच तो अपन धीरे रखनी, तेज मत करो आँच ने, वो सब धीरे आँच में अपन काम करना है। धीरे आँच में बहुत ही अच्छो बनना तैयार होगा। इन तरह आलू ने अपना हल्का हल्का मिक्स कर दिया पूरा। अब इन्हें अपना दूसरे बाउल में निकाल ले, तो आप देख रहे अपना कड़ाला बिल्कुल साफ हो गया है। अब इन्हें अपन ठंडो करने वास्ते रख दे, गरम गरम रमाइन हाथ नहीं डालना, हाथ बल जा वाला। अब अपन अच्छी तरह ठंडो हो गया, हल्को सा गर्म है, हल्को सा गर्म ब्याउन टाइम अपना गूंद लेना। तो इन्हें ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दे, इन तरह तेल लगाने ने अपना गूंद ले अच्छी तरह। तो जो आटो से न तैयार हो क्या यूँ आटो से न तैयार हो जा रहा, जब रोटी वास्ते आटो से न तैयार करा क्या वो आटो से न तैयार होना चाहिए। अपन आप गिलो रह गया हुआ है तो इनमें आप थोड़ा सा ब्लेक चावल आटो डाल दीजो, ना ज़्यादा सूखो रह गया हुआ आप रहे तो थोड़ा सा आप गिलो हाथ लगा दीजो। अब इनमें अपना थोड़ा सा नमक डाल दे, आधा छोटा चम्मच वैसे नमक इनमें डाल दे। नमक ने अच्छी तरह मिक्स कर लेवा, अच्छी तरह गूंद ले। आटो देखो जो अपना रोटी आटो वे क्या वड़े आटो उसने इतने तैयार हो जाए, एडो सॉफ्ट ही आटो होना चाहिए। आपने बताऊँ देखो आटो अच्छा सॉफ्ट उसने जो। अब इन माने पर थोड़ा सा आटे हाथ लगा और लोयो तोड़ ले, जड़ा पर रोटी बनाओ क्या बस बड़ो ही लोया बनावना, अपन इतो ही बड़ो लोया बनावना, ज़्यादा ज़्यादा नहीं बनावना लोया। अब आप पलेतन लिया इन तरह पलेतन लगा दे, आप चाहे तो मैदा लगा सको इन माते, आप चाहो तो आटो लगा सको, या आप चाहो चावल आटो भी लगा सको। तो मैं गेहूँ आटो ही लगाई हूँ इन माते, आप अच्छी तरह बट लिया देखो तो इजीली बटी जा रही हूँ। जो रोटी बटा के जो जो बटने अपना तैयार करना है तो इन माते पर थोड़ा सा आटो लगा दे दो ही साइड रमाना। तो इन मैंने आप देख रहे हो सब्जियाँ कितनी अच्छी लाग रही है, आटो अपना इतना परफेक्ट बनी उड़ा है, सब्जियाँ बिल्कुल बाहर नहीं निकल रही देखो न दिखने मैंने बहुत ही सुंदर लाग रही है, बहुत ही न्यूट्रिशियस बनना तैयार है, क्योंकि मैं सब्जियाँ भी हो गई है न अपना चावल भी हो गया। अब आप एक सीरी का बनाने वास्ते इन्हें मैं इन तरह काट ले, ओके अच्छा दिखा इस वास्ते मैं काट रही हूँ, पर आपने घरे बनाता हो तो आपने काटने की जरूरत नहीं बोली, और दिखने में अच्छा दिखे या कि नहीं सर्व करना तो अच्छा लगे। और बच्चोड़ा जो काटा रहा मैंने मिक्स कर लिया, तो देखो दिखने मैंने बहुत ही सुंदर लग रही है, पर जरूरी नहीं है आपने काटने। भाई साइड में अपना तवा भी गर्म हो गया है तो तवो माता अपना डाल देना, और ध्यान रखना आपने तवो गर्म हो जाओ उन मात्र माने जिन माता डालना, अपन ठंडा तवा माता मत डाल जाओ, डालते अपन चलावना नहीं है इन्हें, नहीं पलटना है। जो नीचे पक जावेला है तो ऊपर अपना सूखो दिखना रो जावेला, तो उन टाइम अपना पलटना है। तो धीरे धीरे देख रही आप कलर चेंज हो रही है, मेरे को दूजो क्या सूखो दिखना रो जाए कर ऊपर इन, मतलब इन्हें बैक साइड पकड़ना रू गया आराम में देखो गुमन डूब जा रहा, देखो छिपिया नहीं करे इन्हें, मतलब हो इन्हें बैक साइड पक गया। सब्जियाँ कितनी अच्छी दिख रही है देखो, क्या पास शिमला मिर्ची डाली है, गाजर डाली है, सब बहुत ही अच्छी लाग रही है, प्याज भी देखो सब दिख रहे हैं मान, एक एक चीज़ दिख रही है मान, बहुत सुंदर बनना तैयार है। एक बार तवा गर्म हो जाता उन बाद में फटाफट सीखना तैयार हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगे, सुबह सुबह अपना बनावन हुआ तो फटाफट बनना तैयार हो जाए। देखो दो ही साइड अच्छा पक गया है पे, अब इनमें थोड़ा सा अपना घी या तेल लगा दें, घी तेल आपने पसंद रहे हिसाब आप कम ज़्यादा लगा सको, आप घी तेल नहीं लगाना चाहो तो आप बिना घी तेल भी इन्हें सेकने खा सको, जो रोटी आप सेकने खावा क्या इन तरह ऊपर सेकने भी खा सको। ये काफ़ी लोगों ने कही है कि घी तेल लगाना पसंद नहीं है, तो आप रोटी वो जो सेकने खा सको बोले स्वाद रहे मैंने कोई फर्क नहीं आवेला, आप बटर में बना लो तभी बच्चा ने बहुत अच्छी लगेगा, बहुत ही सॉफ्ट बनना तैयार हुआ है। चावल की चीज़ हो तो बनाओ चाहे थोड़ी हार्ड हो जाया करे, पर यह बहुत ही सॉफ्ट बनना तैयार हो जाए। देखो दो ही साइड अच्छा कलर आई गया है ना, इन तरह अच्छा कलर आ जाए उन बाद में अपन निकाल लेगा। इन तरह अपन सब पराठा बनाना तैयार कर ले, हमारे एक्सपीरियंस हो एक कप चावल मैंने लगभग 12-15 पराठा बनना तैयार हो जाए। इन तरह पराठा रहे बारे एक हल्की सी क्रिस्पी लेयर आ जाया करें, और मायने आलू रो पराठा वेका जड़ सॉफ्ट रहा करें, और इन पराठा सब बड़ो फायदा है ठंडा हो रहा है पचे भी इन तरह सॉफ्ट बने उड़ा रहा करें। आप टिफिन में लेन जाओ तो आपने खाने मायने बहुत स्वादिष्ट लगेगा, यह पराठा आप अचार साथ है चटनी साथ है केचप साथ है किन्हीं भी साथ खाओला या कुछ कोरा भी खाओला तो आपने बहुत अच्छा लगेगा। तो आप भी अपने घर में इन तरह पराठा बनाने चटनी अचार और केचप साथ जरूर ट्राई कर जो। बेर मिला साड़ी दूजे वीडियो मायने, जब तक राम राम साहब।